भारत ने रविवार को काबुल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपने प्रयास के तहत 3 अलग अलग उड़ान में अपने 329 नागरिकों सहित लगभग 400 लोगों को वापस लाए और आज अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से दिल्ली के जरिए बागडोगरा पहुंचे 86 जन जो उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कैलिफोर्निया, कर्शियोंग, बिजनबाड़ी और डुअर्स इलाके से हैं। दार्जिलिंग में रहने वाले व्यक्ति से जब संवाददाता ने पूछा कि काबुल में कैसी स्थिति है तो उन्होंने यह कहा कि अगर उन्हें भारत सरकार और 2 दिन में नहीं निकाल पाती तो वह भूखे मर जाते। आरोप यह भी लगाया कि एयर इंडिया ने अब तक दहशत के वजह से कैंसिल हुई फ्लाइट के पैसे रिफंड नहीं किए हैं। साथ ही हमारे संवाददाताओं से उन्हें क्या बात की, आइए सुनते हैं। मोबाइल पीछा ना एक तो। कौन कौन आया है आप लोग, कितना जन आए? बहुत आए थे लेकिन अभी आपने अपने गाड़ी में लेके मतलब आप कहाँ कहाँ रहते हैं? अफगानिस्तान काबुल से आया हूँ। हाँ, मेरा घर इधर दार्जिलिंग में है। क्या परिस्थिति हुआ क्या अभी, क्या परिस्थिति है वहाँ पर? काबुल से हम कल सुबह की फ्लाइट में हमारे एयरफोर्स के जो भी अपना जहाज थे उनमें 8:30 में हम दिल्ली पहुंच गए थे। टाइम लग गया। वहाँ का फिलहाल परिस्थिति क्या है, मतलब क्या हाल है? परिस्थिति बिल्कुल वहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि वहाँ पे जो भी पब्लिक है राज के वजह से बहुत प्रॉब्लम है और वहाँ के आपको न्यूज में तो दिखाया गया है वहाँ का कैसा हाल है ना। उसी नहीं आप क्या देख, मतलब तालिबान को लेकर क्या? आप जहाँ से आया आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहे हैं अभी? सरकार तो ने बहुत हमारे को बहुत अच्छा वो किया और साथ साथ हमारे जितना भी एयरफोर्स के जो भी वो हमारे को एवेक्यूएट किया, लेकिन सरकार ने हमारे ठीक टाइम पे एवेक्यूएट किया। एक दो दिन और रुक जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए, हम भोगे मार जाना। ठीक है, इतना ही है। हमने नहीं तो वहाँ से आप जो एयरलिफ्ट जो हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? एयरलिफ्ट तो हमारे वो भाई और हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के जो आ गए हम कलेक्टर बटन पे, उसके बाद आधा को कलेक्टर बटन पे दबा दूसरे कंट्री करके भी भाई कजाकिस्तान करके भी दूसरे पार्टी भी आया था, वो भाई कजाकिस्तान हो गया आया। लेकिन हम एयरफोर्स के माध्यम से हम हमारे को दिल्ली पहुँचाया गया, बहुत अच्छा हमारे को मदद की। इतने हम सारे सरकार और एयरफोर्स के और हमारे मीडिया भाइयों को भी बहुत तालिबान जो है वहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ का स्थिति कैसा, आपने क्या देखा ऐसा कुछ घटना जो मतलब बहुत ही घटना? हमारे इंडियन उसको कोई वो नहीं है वहाँ पे, जो उनके अभी सरकार सत्ता में आने के लिए उन्होंने थोड़ा सा आर्म्स उठाए हुए हैं। ठीक है, तो पब्लिक डरे हुए हैं वहाँ का पब्लिक डरे हुए भागना चाहता है, वो देश निकाल के छोड़ के जाना चाहता है, उसको कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। इतना वो रश की वजह से हमें भी प्रॉब्लम वहाँ से निकलना, हमारा 16 तारीख का टिकट बुक था। ठीक है ना, तो वहाँ पे लैंडिंग हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे इतना रनवे में इतना रश है, तो हमारे लैंडिंग हो नहीं पाया। वो टिकट का पैसे भी हमें वापस नहीं मिला, एयर इंडिया को बता दीजिएगा, 11,000 हमें अभी तक वापस नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी बात थोड़ा सा। तो तालिबान ने कुछ नहीं किया आप लोग को ऐसी? तालिबान से अभी हमें किस तरीके से इवेकेट किया वो तो आप लोग, मैं थोड़ा सेक्रेट नहीं बता पाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे सरकार ने जो भी अभी भी फंसा हुआ है वहाँ पे कुछ भारतीय, तो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। किस तरीके से हमारे को इवेकेट किया वो हम थोड़ा सेक्रेट रखेंगे। ठीक है ना, तो अभी भी वहाँ पे कितना आदमी है फंसे अभी हम नहीं बता पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हमने जितना भी हमारे कोऑर्डिनेटर था उसको हिसाब से हमने 200 अबव था, वो 2 ट्रिप करके ला चुका है और भी कई जगह पे जहाँ पे अभी स्टॉप चुका है वो। तो रास्ते अभी ये रास्ते में वो लोग बंदूक लेके घूम रहा है तो कैसा डरावना माहौल था, कितना डरे हुए था? तो होगा ये जो अपने हथियार लेके चलेगा तो डरावना होगा, फायरिंग हो रहा है इधर उधर, फायरिंग हो रहा है चाहे कैसे भी वो फायरिंग कर रहा है, चाहे आर्म फायरिंग करे वो किसी को भी लग सकता है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से डरावना तो है ही, माहौल डरावना है, वहाँ पब्लिक डरे हुए हैं,
हमारे हम तो दूसरे घंटे के थे, हम तो डर नहीं चाहिए। ठीक है, आपका नाम? आपका नाम राजेश थापा। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने कहा था कि वहाँ पर हमारे 200 करीब दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कर्शियोंग, बिजनबारी से संलग्न इलाकों के देशवासी फंसे हैं और उनमें से आज 86 अपने घर लौट गए। हम भारत सरकार से आशा करते हैं कि जिस तरीके से यह 86 लोग अपने घर लौट गए, वैसे ही बाकी के जो देशवासी वहां फंसे हैं, उनको भी अपने घर सही सलामत पहुंचा दिया जाए। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001:2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569। चंपा सारी, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने, त्यो धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? ग्रुवाइजी डाक्टर केन्से यहाँ गल स्टोन, किडनी स्टोन, युटिआई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, ऱ्युमेटाइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिभर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। % कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे।